भाइयों, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। अपने आसपास नीम, पीपल, बरगद, आम आदि के पौधों का वृक्षारोपण अवश्य करें, अन्यथा अगले वर्ष इससे भी भीषण गर्मी में झुलसने के लिए तैयार रहें। हाँ, लगता है बारिश को भी कब्ज हो गई है। मौसम बनता है पर आती नहीं है। प्रभु, बारिश करवाओ, गर्मी से राहत दिलवाओ। कलाई में खाने वालों, अब तो शादी कर लो, इसी बहाने बारिश भी आ जाएगी। चलो भाई, चलो। जानी, इन हवाओं से कहो अपनी औकात में रहे। What? तार हिल जाने से हमारे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। हर चीज में कमी निकालने वालों, अब गर्मी में कमी निकालो तो जानू। आखिरकार बारिश की कब्ज समाप्त हुई। इंद्रदेव प्रसन्न हुए। मित्रों, बारिश शुरू होने वाली है। अपने आसपास नीम, पीपल, बरगद, आम आदि के पौधे जरूर लगाए, वरना अगले साल फिर से भीषण गर्मी में तपने के लिए तैयार रहे। हाँ बाबू मशाई, इस बार शादियों का सीजन मेरे सामने से ऐसे गुजर गया जैसे शुगर पेशेंट के आगे से मिठाई का डिब्बा। इस समय अगर आप कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, ओह माय गॉड, कुछ पौधे ही रोप दीजिए, पर्यावरण का ही भला हो जाएगा। उन लोगों को भी भरी दोपहरी में कंबल ओढ़ाकर सम्मानित करना चाहिए जो इस 45-47 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में भी 7-8 कप चाय पी जाते हैं। और बताओ दोस्तों, पत्नी द्वारा बेइज्जती का कौन सा पैकेज ले रखा है? डेली वाला, वीकली वाला या मंथली वाला? बताओ। मैं कभी कभी बहुत अच्छी पोस्टें भी करता हूँ। अगर आप मुझे भारत रत्न नहीं दे सकते तो कम से कम नवरत्न ही दे दो, बहुत गर्मी है। मौसम विभाग की चेतावनी, मायके गए हुए सभी तूफानों की इसी हफ्ते लौटने की संभावना। जानी, अचानक मौसम में ये आंधियां क्यों आने लगी? लगता है सबकी बीवियां मायके से वापस आने लगी। भैया, अगर गर्मी ऐसी ही पड़ती रही तो क्रिस गेल और मुझ में सिर्फ बैंक बैलेंस का ही फर्क रह जाएगा। भाइयों, लगता है पूरा जून यही कहने में निकल जाएगा कि आज कल से ज्यादा गर्मी है।